है, लिखा हुआ हर जगह होता है, तो मैम इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। नहीं नहीं किम्बरली, इसमें आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो अगली बार अगर आपसे कोई बोलता है ना, तो तुम्हारा तुम्हारे पास मेरा नंबर है, उसको सीधे बोल देना कि भाई इस पते पे आप बात कर लो, इन्होंने मुझसे कहा था कि जैनसन जी ने किया था, और जिनकी आप बात कर रहे हो जैनसन, ठीक है, जिनकी आप बात कर रहे हो वो है हमारे एंटोन वॉन ल्यू वेन मतलब कॉक जी, ठीक है, इन्होंने सेल इन्वेंट किया था, ठीक है, जो लिविंग लिविंग सेल डिस्कवर किया लिविंग, था। ठीक है बेटा सुन तो लो, उन्होंने लिविंग सेल इन्वेंट किया था। उससे पहले भी हमारे पास कौन थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है, जो सेल का इन्वेंशन है ना बच्चे, वो इन्होंने किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले सेल को इन्वेंट किया था, कि सेल जैसी भी कोई चीज होती है, कि हमारा जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो शरीर है वो कुछ कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम सेल कहते हैं। सबसे पहले जो बात बताई थी वो रॉबर्ट हुक ने जी ने बताई थी, ठीक है, बट कहानी में ट्विस्ट क्या था कि इन्होंने जो काम किया था ना बच्चा, वो किया था बार्क पे। बार्क समझते हो, मैम कॉक, यस मैम, कॉर्क कह लो बार्क कह लो एक ही बात है, ये क्या होता है, पेड़ की जो छाल होती है ना, दैट इज कॉल्ड योर बार्क। तो सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था डेड सेल पे, जो ये हमारा क्या है बार्क, क्या है हमारी बार्क, इज द आउटर मोस्ट एंड द डेड सेल, ठीक है, तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और लिविंग सेल पे की थी वो इन्होंने की थी। और एक चीज और सुनते जाओ, जब तुमने इतनी सुन ली है, तो जो लिविंग सॉरी लिवन हॉक ने जो किया था ना, उन्होंने पता किससे देखा था, पस नहीं होता है जो हमारा, जैसे जो फुड़िया फुंसी खुद निकल आती है किसी को, तो किसी ने वो डस्टबिन में ऐसे करके निकाल के डाल रखा था, तो उन्होंने उसमें से देखा था। सबसे पहले जो पस सेल्स होते हैं ना, उसमें से उन्होंने बताया था कि लिविंग सेल होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, ये सब होता है। अब मंतशा का क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, पहले शगुन आप थोड़ा लाइन पर रुक जाओ, शगुन अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। अभी मंतशा ने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है मैम, जस्ट सॉरी आफरोज ने, मंतशा लाइन में है, ठीक है, आफरोज के क्वेश्चन का पहले आंसर देंगे। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है मैम, क्या लग रहा है इन वर्ड से आपको? मैं एक बार अपने फोन से कनेक्ट कर लूं क्या आप लोगों को? ओके मैम, ठीक है, मैं आज यस फोन से कनेक्ट करना भूल गई हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे ना बार बार लैपटॉप में वापस जाना पड़ रहा है कि तुम लोग की स्क्रीन है या नहीं। एक तो मेरे आज नेटवर्क का इशू है, मेरा लिंक नहीं भेजा खुद को, जस्ट वन सेकेंड दीजिए मुझे, ठीक है, मैं एक सेकेंड बस, एक कोई ना, आज हम लोग थोड़ी सी क्लास को ज्यादा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार मैं अपने आप को, बस एक मिनट दे दो प्लीज। हाँ मैंने ना अपने आपको लॉग आउट मार दिया, तो इस चक्कर में गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चे, बस एक मिनट, हार्डली एक मिनट, ठीक है। तुम लोग के ग्रुप पे मैंने मैसेज डाला है ना अभी, नाइन्थ क्लास कहाँ उड़ गई, नाइन्थ क्लास ये रही, जस्ट वन मिनट, बस एक मिनट बेटा, मुझे पता है तुम्हारा टाइम जा रहा है, बस एक मिनट दे तो मुझे, हो गया, मेरे को मेरा नंबर ही नहीं मिल रहा है, बस आ गया। तब तक बाकी लोग सोचो थोड़ा सा, हाइपरटोनिक आइसोटोनिक क्या होता है, देखती हूँ कौन आंसर दे पाता है, किसका मेरे से मैच करता है, कोई भी आंसर दे दो। मैम हाइपोटोनिक में सेल श्रिंक हो जाता है और हाइपरटोनिक में स्वेल हो जाता है। मैम मैम हाइपरटोनिक जो हाइपोटोनिक जब होता है तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है,
एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेशन जो सेल में होता है। तो इसकी वजह से जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो जो जहाँ पे पानी कम जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होता है जैसे कि सेल में कम है तो वो स्वेलन हो जाएगा। और जैसे कि आइसोटॉनिक होता है उसमें जो होता है सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर जो बाहर वाले एनवायरनमेंट की कम होती है। ओके जी, चलिए जी, लगभग लगभग जो आप लोगों ने ट्राई किया वो ठीक ठीक था, बट हम एक काम करेंगे ना कि हम इसकी कहानी को हमेशा के लिए समझ लेंगे। कैसे? देखो जी, बस मैं अपना फोन यहाँ लगा दूंगा। हाँ देखो जी, अब कहानी क्या है हमारी मैम, सबसे पहली बात तो सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, आपने सोल्यूशन है वो किस किस से मिलके बना होता है? सोल्यूशन बना होता है मैम सल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इज नोन एज सोल्यूशन, करेक्ट। यही कहानी पढ़ी है हमने। अब दूसरी कहानी क्या है, सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं तो वाटर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं मैम यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये हमारा। चलिए मैम, ये भी हमें क्लियर है। अब कहानी क्या है हमारे पास कि हमने पढ़ना है हाइपरटॉनिक, ठीक है, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक, ठीक है। अब ये जो कहानी आप सीखोगे ना वो सीखोगे सेल की वजह से, ठीक है। क्या होगा इसका, ये रहा हमारा सेल, ठीक है, ये है हमारा बड़ा बनाने का फायदा है ना, छोटा बनाएंगे हम, ठीक है। ये है हमारा सेल एक छोटा सा, ये है सेल हमारा और ये है सेल। अब कहानी ये है कि ये है एक ग्लास में पानी, ठीक है, ये भी एक ग्लास में पानी। अब ये जो सेल था, पहले तो आइसोटॉनिक समझ लो क्योंकि सबसे इजी है, 2 मिनट में खत्म हो जाता है। ये जो हमारा कहानी था, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक का मतलब ये है कि बाहर का जो चीज है और जो अंदर सेल का सोल्यूशन है वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। मतलब क्या होगा, ना ही कोई चीज अंदर आएगी और ना ही कोई अंदर की चीज बाहर जाएगी, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आइसोटॉनिक। अब कहानी आई हाइपोटॉनिक की। हाइपोटॉनिक क्या है, आपने क्या देखा कि जैसे आप रात में किशमिश को भिगोते हो, करेक्ट, आपने रात में किशमिश को भिगोया पानी में, आप सुबह उठ के देखते हो कि वो क्या हो गई है मैम, स्वेलन अप हो गई है, सूज गई है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ, कहानी यहाँ पे ये हो रही है कि जो किशमिश है ना उसके अंदर, देखो जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में पार्ट समझाया ना सोल्यूट सोलवेंट, वो इसीलिए समझाया कि जो ये हमारी किशमिश थी ना, जैसे कि अभी के लिए हम मान लेते हैं किशमिश कैसी होती है हमारी, ऐसे सूखी सी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पानी कैसा है, कम है, करेक्ट। पानी क्या है यहाँ पे हमारा, सॉल्वेंट। अभी आप लोग आंसर भी दोगे इसका, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे अंदर जो इसमें सॉल्वेंट है वो मैम कम है, और जो सल्यूट है वो क्या है मैम, वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, वो मैम हमारा थोड़ा ज्यादा है। अब इसके उल्टी कहानी हमारी होगी सल्यूशन में, मतलब कि जो हमारा यहाँ जो बाहर सोल्यूशन है, जो पानी है, ठीक है, उसमें कहानी हमारी उल्टी रहेगी। मतलब क्या मैम, मतलब ये बच्चा जी कि जो ये जार में पानी है उसमें हमारा सॉल्वेंट कैसा है बेटा, सॉल्वेंट मैम हमारा ज्यादा है, ठीक है। और सॉल्यूट से हमें ज्यादा खास मतलब नहीं है, बट हम हमेशा वाइस मतलब उल्टा लेके चलते हैं, तो सॉल्यूट हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। कितनों को ये कहानी समझ में आई, समझ में आई, ठीक है। तो यही चीज हो रही है हमारी, हमारे साथ क्या होता है इसे, ये आपने सुना होगा दो वर्ड्स, ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड डिफ्यूजन, करेक्ट। ये आपने वर्ड सुने हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। क्या होता है बच्चा जी हमारे यहाँ पे कि मूवमेंट होता है इन्हीं सॉल्वेंट सॉल्यूट जो होता है, इस सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, या फिर हम क्या कैसे याद करते हैं इजी तरीका, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यही पढ़ते हो आप, है ना, यही पढ़ते हैं हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। सिर्फ ऑस्मोसिस में क्या आ जाता है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक ये वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आप अच्छा, कितनों को ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, अभी तो मैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा जी कि ये हमने ऑस्मोसिस, क्या कह रहे हो बच्चे, अलीना म्यूट करिए अपने आप को, ठीक है। देखो जी, यहाँ पे कहानी क्या हुई मैम कि हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेंगे, यही होता है, हाँ जी मैम यही होता है। अब यहाँ पे अगर आपको देखोगे कि क्या हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है, किशमिश के अंदर जाएगा पानी, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है,
कि सॉल्वेंट हमारा कहाँ जा रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जा रहा है, इसीलिए चीजें क्या हो गई, स्वेल हो गई। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या हुआ, चीजें हमारा स्वेल हो गया। अब इस यहाँ पे क्या आएगा, नो चेंज। जैसे कि हमने एक बॉल ली लोहे की और उस कंचे जैसे होते हैं, कंचे को हमने पानी में डाल दिया, कोई मतलब नहीं है उसको। फिर आता है हमारा हाइपरटॉनिक। अब हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या है, इसका उल्टा। ठीक है, जैसे हमारे जो खजूर वगैरह होते हैं वो हम जब क्या करते हैं उसको, आपने देखा होगा ना, जब उसको छुआरा बनाना होता है, ठीक है, yes, ना, तब हम किसमें डालेंगे उसे, जैसे आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर खजूर को लिया, क्योंकि हमारे को पेड़ से क्या मिलता है, खजूर ही मिलता है। yes, हमने उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जहां पे इस पूरे पर्टिकुलर का उल्टी कहानी होगी। ठीक है, इस पूरे पर्टिकुलर की उल्टी कहानी मतलब क्या, कि जो ये खजूर वाला पार्ट है उसके अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है मैम, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेरेटिव टू सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पे हमारे पास ज्यादा है, तो हमने क्या करना है, हमने उसको जैसे हमारा किशमिश बनाने का प्रोग्राम वो देख लो, अंगूर से जब हम किशमिश बनाते हैं तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन चल रहा होता है, किशमिश को जब फुलाते हैं रात में तो वो हाइपोटॉनिक हो जाता है। ठीक है, खजूर छोड़ दो अभी के लिए, किशमिश हमारा जो किशमिश बनती है वो किससे बनती है, अंगूर से बनती है। ठीक है, अंगूर को हमारे क्यों, हमें क्या करना है, श्रिंक कराना है। ठीक है, क्या कराना है, तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, उससे श्रिंक करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। बाहर वाले पार्ट में क्या है, बाहर वाले पार्ट में मैम हमारा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट का। ठीक है, कुछ और नाम भी थे इनके, मतलब मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुम्हारे लिए नोट्स ले आती इसके। ठीक है जी, चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, मंतशा आप बताइए पहले, फिर हम दूसरा उनको देखते हैं। यस मैम, मैम क्या आप नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार? मतलब तुम्हें क्वेश्चन भी मिला तो इतना इजी क्वेश्चन मिला ना मंतशा, लव यू फॉर दिस। चलो मंतशा आपका क्वेश्चन मैं लेती हूँ लास्ट में, उससे पहले भी किसी और ने भी हाथ उठाया था, मैं पहले एक बार उनसे पूछ लूं। किम्ले, किम्ले आप बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन, मैम मैंने पिछले वाले जो सर थे उनसे भी पूछा था, लाइक मेरे को उस समय भी क्लियर नहीं हुआ था। ट्राई मी नाउ। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन था मैम, एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 प्लस 44 ऑटोसोम एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम। तो मैम जब हम बेबी बर्थ देते हैं तो मैम हम जो पेरेंट सेल होते हैं वो ईच पेरेंट 23 क्रोमोसोम मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड जो अलग से और 23 जो होते हैं वो होते हैं मैम लाइक डिप्लॉइड होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं। क्या मैम मतलब डिप्लॉइड होते हैं वो जो अलग से और जो 23 होते हैं मैम, अगर हमने पहले पहला बर्थ दिया तो मैम सेकंड बर्थ कह देंगे, क्योंकि जो और 26 क्रोमोसोम और जो है वो तो डिप्लॉइड है। बच्चा जी पहली बात तो ये है कि आप जो हमारे यहाँ पे ना एक सेइंग है, इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। ठीक है, अधूरा ज्ञान इज ऑलवेज हार्मफुल। ठीक है, अब तुम्हें कहानी सुननी है तो इसका कहानी मैं आपको समझाती हूँ। क्या है कहानी इसकी बच्चा जी, कहानी एक्चुअली ये होती है बच्चा जी कि हमें पता है कि ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 क्रोमोसोम्स है, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, करेक्ट। उस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को हम ना दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं हम ऑटोसोम्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है बच्चा जी 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि 44 क्रोमोसोम्स। एक को हम बोलते हैं एलोसोम्स, या फिर जो आपने बताया क्या सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये हमारे पास कितने होते हैं मैम, एक पेयर होता है, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स मतलब एक पेयर होता है, ठीक है, एक पेयर। अब इसमें कहानी क्या है कि जो ये एक पेयर होता है ना वो होता है मैम, या तो वो एक्स एक्स होगा या तो वो एक्स वाई होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आप सबके सब ये जानते होंगे, हमेशा से सिखाया जाता है कि एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जो होता है मैम वो हमेशा मेल्स को रिप्रेजेंट करता है।
कहानी कैसे चलती है ना बच्चे, इसकी कहानी इसकी चल रही होती है मैम कि जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का जो बात आप कर रहे हो ना बच्चे जी, रिप्रोडक्शन होता है, हम लोगों ने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा राइट मंजुषा, ठीक है। उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था, हमने जब माइटोसिस पढ़ा था बच्चा जी, देखो अभी आपको किम्बली खुद के आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और जब हमने मियोसिस पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बोला था, माइटोसिस का दूसरा नाम क्या था, इक्वेशनल डिवीजन, करेक्ट, इक्वेशनल डिवीजन था। और मियोसिस को हम पढ़ते थे मैम रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। अब हमने आपको ये भी बताया था कि इक्वेशनल डिवीजन जो होती है वहां पे क्या होता है कि एक सेल से दो क्रोमोसोम, दो सेल्स बनते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, करेक्ट। मंतशा अपना अपना हाथ नीचे कर लो बिकॉज मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही है और मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, ठीक है चलो। और मियोसिस को होता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन, जहां एक सेल से हमारे पास चार क्रोमोसोम्स बन, चार सेल्स बनते हैं, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था बच्चा कि जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी के सेल्स हमारे माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, पढ़ाया था मैंने ये बात आपको, है ना। और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो हमारा स्पर्म एंड ओसाइट्स होते हैं, उसमें हमारा मियोसिस चलता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमारा मियोसिस चलता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा जी कि हमारे पास एक्स एक्स है, एक्स एक्स का मैम स्पर्म है, और जो हमारा सॉरी ओवम होता है, ठीक है, एक्स एक्स का हमारा फीमेल, फीमेल एग सेल्स जिसे हम कहते हैं वो हमारा ओवम है, ठीक है, और एक्स वाई का जो होता है वो हमारा मैम स्पर्म है, ठीक है। अब कहानी क्या है बच्चा जी ना, जो आप बात पूछ रहे हो ना किम्बले, वो आपको यहां जाके क्लियर होगी कि जब हमारा जाइगोट बनता है ना फ्यूज होके, जब हमारा जाइगोट बनता है, आपको पता है जाइगोट क्या करेगा, इनमें से दोनों में से, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा एक क्रोम, एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, एक्स एक पर्टिकुलर है, ये एक्स एक है, तो ये हम किस कैसे काउंट करेंगे कि हमने वहां तक 44 काउंट कर लिया प्लस 45x, 45 नंबर एक्स हो गया, और दूसरा एक्स मिलके क्या बनाता है, 46 क्रोमोसोम बना रहा है, करेक्ट किम्बली, ऐसे ही होता है। और मेन है कि 44 ऑटोसोम्स हैं प्लस एक्स एक, दूसरा ये वाई, तो ये दो मिलके हमारा क्या, मेल्स का बना रहे हैं। तो आपने क्या करना होता क्या है कि यहां से हमारे पास क्या आएगा, या तो यहां से एक्स आएगा, देखो फीमेल्स में तो क्लियर है कि हमारे पास ओवम में एक्स ही कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है, करेक्ट, बट स्पर्म के केस में क्या होता है कि या तो यहां से एक्स आएगा, देखो उसके पास 44 ऑटोसोम्स तो पहले से ही हैं, ठीक है, 44 ऑटोसोम्स तो पहले से ही हैं, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए दो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मतलब दो सेक्स क्रोमोसोम चाहिए या वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम चाहिए, करेक्ट। तो एक हमको मिल रहा है मम्मी से, ठीक है, दूसरा हमको मिलेगा पापा से, तो वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, पर ये क्या है, हो सकते हैं इन दोनों में से कोई एक, तो ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं, 44 प्लस 2 जो कि 46 क्रोमोसोम्स। अब ये हमारा चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, चाहे टेंथ प्रेगनेंसी हो, चाहे गांधारी जी की तरह 100 प्रेगनेंसी हो, हर बार यही होता है, ठीक है जी। और आप क्या बोलते हो बच्चा जी इसे, कि हम जो है वो डिप्लॉयड हैं, क्या है बच्चा जी, हम डिप्लॉयड हैं, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स ही नहीं है हमारे पास, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब क्या बोलते हैं हम इसे, 2n क्रोमोसोम लिखते हैं, ठीक है, n हमारा कौन सा है, अगर हम सिर्फ 23 क्रोमोसोम बोलेंगे तो हम हैप्लॉयड हुए, n पे लिखेंगे, ठीक है, बट जब हम 46 क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं तो हम उसे, या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोल रहे हैं तो हम डिप्लॉयड होते हैं। किम्बले जी क्लियर हुआ आपका ये कंफ्यूजन, ठीक है, एक बार और रिकॉर्डिंग में जाके सुन लेना, मस्त क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, कोई और क्वेश्चन, बताएं बेटा जी, किसी को कुछ भी और पूछना, मतलब बट होना बायोलॉजी से चाहिए, ठीक है, ये नहीं फिजिक्स पूछ लो, तो मेरी मैम को फिजिक्स खुद नहीं आती, ठीक है, बताएं जी, किसी को भी कुछ भी और पूछना है तो बताइए, वरना आपको पता है कि आज हमारा सिर्फ यही जनरल चिट चैट राउंड था, ताकि मैं आपके थोड़े बहुत डाउट्स ले लूं। मंतशा देखो फटाफट बुक खोल रही है, अच्छा इसको नाइट्रोजन साइकिल समझनी है ना, चलो कोई ना, मैं तुम्हें नाइट्रोजन साइकिल समझाती हूँ।
बस मैं एक बार थोड़ा सा देख लूँ खुद भी, बहुत टाइम से नहीं देखी नाइट्रोजन साइकिल, तो मैं तुम्हें गलत साथ पढ़ा दूंगी तो वो अच्छा नहीं है ना। नाइट्रोजन साइकिल बताएं जी, उसके अलावा किसी को कुछ चाहिए? अरे यार इतना इजी साइकिल तुमको समझना है मंतशा, मैंने तुमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम इतना इजी वाला, अब मुझे याद आया। मुझे याद तो है वो, लेकिन मुझे उसमें ना समझ नहीं आता कि उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जब उसे लिखने जाते हैं ऐसे। मैं एक्सप्लेन तो कर देती हूँ, आज ही मैंने सर को एक्सप्लेन किया था, बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है खुद से उसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग भी अपने सब और क्वेश्चंस देख लीजिए, तब तक हम क्या करते हैं नाइट्रोजन साइकिल समझते हैं भाई। N2 साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल एक ही बात है, ठीक है। अब कहानी क्या है आपको देखो, हम कहानी जब स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है मैम बड़े डेप्थ में चली जाती है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास कितना 78% नाइट्रोजन, उसके अलावा कितना 21% ठीक है ऑक्सीजन। हाँ जी बेटा, कौन है ये हैंड रेज वाला बच्चा? किंगडम एनिमेलिया। अवंतिका क्या करूं किंगडम एनिमेलिया, वो तुम्हें समझाऊं? चलो मैं भी आती हूँ तुम पे, ठीक है। और बाकी 1% में हमारी सारी की सारी गैसेस आती हैं। चलो मैम कहानी हमें ये समझ में आ गई। अब जब इतना भर भर की हमारे पास नाइट्रोजन है तो भी हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है भाई, क्यों, क्या कहानी है भाई? देखो मैम कहानी ये है बेटा हमारे पास कि ये रहा हमारा एक प्यारा सा पेड़, पूरे एटमॉस्फेयर में यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन भरी पड़ी है, बट ये कैसी नाइट्रोजन है? एटॉमिक वाली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। ये नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को चाहिए नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो पर्टिकुलर चीज नाइट्रोजन को यूटिलाइज करती है वो है प्लांट्स की रूट्स, ठीक है। वो कौन है बच्चा जी? वो है मैम हमारे प्लांट्स की रूट्स। अब प्लांट्स की रूट्स को ये वाली नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उनको चाहिए उसका दूसरा फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है ना बच्चा जी हमारे पास कि बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में हम नाइट्रोजन को करते हैं कन्वर्ट। कैसे मैम? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कभी कभार जो बिजली नहीं होती है आसमान से जो बिजली कड़कती है, ठीक है, उसके थ्रू भी वो हमारी कहाँ चली जाती है, सॉइल में चली जाती है, ठीक है। सॉइल में अब क्या होता है, जैसे सॉइल में इससे आ गई जो हमारा गोबर होता है गाय का, ठीक है, वो उससे भी, ठीक है, क्या होता है वो हमारे सॉइल में आ गई। कौन आ गई हमारे सॉइल में? नाइट्रोजन आ गई, ठीक है। वो नाइट्रोजन को वहां पे प्रेजेंट होते हैं कौन? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैम नाइट्रीफाइंग फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बच्चा जी यहाँ पे, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक प्रोसेस को रन कराते हैं जिसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहा जाता है बच्चा इसे? इसे कहते हैं मैम हम अमोनिफिकेशन, द प्रोसेस, देखो डेफिनेशन में ही उसका काम है, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है। अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया में, ठीक है, NH4 में उसे कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं मैम अमोनिफिकेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आगे चल के कहानी क्या हो जाती है ना बच्चा जी, आगे चल के कहानी ये होती है बेटा, ठीक है, ये अमोनिया और अमोनियम होते हैं, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे NH4 को हम अमोनियम कहते हैं, ठीक है, आपको पता है थोड़ा बैलेंस करना होता है, NH3 होना चाहिए, करेक्ट, बट यहाँ पे जब फोर्स वाला भी लग जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा इसकी जो वैलेंसी है दैट शुड बी 3, ठीक है। जब 3 होता है तो वो बैलेंस रहता है, कैसे, जैसे नाइट्रोजन है NH3 है तो वो बैलेंस्ड है, बट जब हम NH4 लिखते हैं ना तो उसके ऊपर हमेशा प्लस लगा देते हैं क्योंकि एक जो हाइड्रोजन है वो फालतू है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम अमोनियम बोल देते हैं। तो ये जो अमोनिया या अमोनियम है ये अब आगे चल के कन्वर्ट होगा किससे? नाइट्रिक ऑक्साइड से, ठीक है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड से। और ये पर्टिकुलर प्रोसेस को कौन करता है? इसे करते हैं मैम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या नाम है इनका बच्चा जी? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये कन्वर्जन करते हैं कि अमोनियम को या अमोनिया को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब आगे कहानी क्या हुई मैम कि इस पर्टिकुलर को हम क्या करते हैं, ये जो हमारा है ये इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं किसमें, जो हमारी प्लांट्स की जो रूट्स है ना उनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो इनको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा नाइट्रस ऑक्साइड में,
NO3 माइनस लिखेंगे यहाँ पे, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम आगे कहाँ से लाएंगे, इस पर्टिकुलर को हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की हेल्प से क्या कर देते हैं बच्चा जी, इसका हम करवा देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब क्या, कन्वर्जन इंटू अमोनिया, N2 कि जहां से शुरू हुए थे वहीं पे फिर से आ गए। ये प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस हमारा क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसका हमने क्या करना है मैम, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है बेटा। क्या करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। कौन करवा रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करा रहे हैं। प्रोसेस क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है मैम। उसके बाद नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया को हमारी जो प्लांट्स की कोरेलाइड रूट्स, क्या बोलते हैं उन्हें, कोरेलाइड रूट्स बोलते हैं, वो हमारे इस, वो हमारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो हमारा उस फॉर्म में है कि हमारा प्लांट्स उसको यूटिलाइज करके अपना काम चला लेता है, बाकी को हम नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। और वो हमारा क्या कर रहा है कि इस नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म को N2 में, जिस फॉर्म से हमें एटमॉस्फेयर में मिला था, उसे हम वापस से उसी फॉर्म में भेज देते हैं। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर हुआ बच्चे आपको? यहाँ पे आपको जो याद करने वाली चीज है वो है ये कि NO3 को N2 में कन्वर्ट करना, एक ये अमोनिफिकेशन, और दूसरा है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना प्लांट्स के लिए इन द यूजफुल फॉर्म, तो उसे कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, सॉरी ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। बताएं जी अगला क्वेश्चन। बोलो बोलो यार। देखो किंगडम एनिमेलिया करना तो पॉसिबल नहीं है, खुद से सोच लो, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, वो जब तुम लोग 11th में आओगे ना तब करना। बताए जी बेटा, कुछ और टॉपिक या कुछ और जो आपको कुछ भी समझना हो बायो से रिलेटेड? नो, मंतशा, किमले, रिजवान, अवंतिका, हाँ जी किम्बले जी आइए जी फिर से एक और क्वेश्चन के साथ। मैम मेरा ये क्वेश्चन था मैम, जो ऑक्टोपस का जो ब्लड ब्लू होता है वो मैम ऐसा क्यों होता है? किम्बले अभी तुम बहुत ज्यादा छोटे नहीं हो उसके अकॉर्डिंग, फिर तुम थोड़ी देर बाद पूछोगे मैम कॉकरोच का ब्लड व्हाइट क्यों होता है, है ना? मैं, मेरे को तो आज पता चला। कॉकरोच को भी मारा नहीं है तुमने ऐसे करके चप्पल से घर में? नहीं मैम, हमने तो बचपन में बहुत मारे हैं पट पट से, ठीक है। देखो बच्चा जी कहानी, इसकी जो कहानी है वो ये है कि इसके लिए ना आपको किम्बर्ली क्या करना पड़ेगा ना, ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा, ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ने के लिए आपको क्या है, इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाना पड़ता है, ठीक है। वो डेप्थ में अभी हम 5 मिनट में तो नहीं जा सकते, तो अभी तुम काफी छोटे हो तो उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है। चलो जी बाकी मंतशा एंड दूसरा किसने हाथ उठाया है, रिजवान बताइए जी। मैम हमको ओस्मोसिस में डाउट है। बताइए जी मैम, ओस्मोसिस क्या होता है? अच्छा अभी तो मैंने आपको बताया ओस्मोसिस क्या होता है, कोई और बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? कोई बात नहीं अलीशा, इट्स ओके, कभी कभी समझ में नहीं आता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, कोई भी और? द मूवमेंट ऑफ हायर कंसियसनेस। स्टॉप मंतशा, स्टॉप, अभी किसने, अलीशा ने करा था ना, अलीशा आप बताइए। अलीशा जी, यस मैम, बताइए मैम। ऑस्मोसिस, हम मैम ऑस्मोसिस वो होता है जिसमें जब सॉल्यूशन जो होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, और सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो उससे जो होता है वाटर श्रिंक, वो सेल जो श्रिंक हो जाता है। बच्चा मैंने आपको किस में पढ़ाया था अलीशा, ये श्रिंक वाली कहानी मैंने किसकी बताई थी?
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सही आंसर है? नहीं जी। देखो जी बच्चा, जो मैंने आपको कहानी बताई थी ना, रुको इसके पीछे वाले में ऊपर में जाते हैं, ये जो मैंने आपको ये चीज बताया था ना बच्चा जी, कि सॉल्यूशन होता है किससे मिलके बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बना होता है, तो इसका जो लेना देना है ना ऑस्मोसिस का, चलो कोई बात नहीं यहाँ समझ लो, ऑस्मोसिस का जो लेना देना है वो यहाँ है बच्चे रिजवान, ठीक है ध्यान से सुनो। क्या होता है ऑस्मोसिस मैम? कि मैम इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेंगे। कहने का मतलब ये होता है बच्चा जी, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनहिल, ठीक है डाउनहिल, ठीक है डाउनहिल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, डाउनहिल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या होता है बच्चा जी, देखो आप जब पहाड़ पे चढ़ते हो ना तो आपको पहाड़ को चढ़ने में दिक्कत होती है, उतरने में आपको कोई एनर्जी की जरूरत होती है? नहीं, कोई ऊपर से धक्का मार देगा तो भी आके पट से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहानी चल रही है, मतलब क्या मैम कि हमारे पास ना देखो जो मैंने आपको ये बताया ना सोल्यूट और सॉल्वेंट, उसका क्या हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, हमने एक सोल्यूशन बनाया, उसमें क्या किया है ना बच्चे कि यहाँ पे हमने ये सोल्यूशन है, आपको दिख रहा है जो ये नीले नीले डॉट्स है ना, ये हमारा क्या है पानी है, पानी का मतलब क्या सॉल्वेंट है, यहाँ दिख रहा है आपको कि इस पर्टिकुलर ग्लास में सॉल्वेंट हमारा कितना है बच्चा, सॉल्वेंट मैम हमारा सपोज कर लो 90 ml है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ना इसमें क्या करा, एक चम्मच चीनी डाल दी है, ये रही नीचे चीनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूट कितना है, सोल्यूट मैम हमारे पास कितना है, सपोज कर लो कि हम अगर उसको मैंने सीरा बना के डाला है, सीधा समझते हो ना चाशनी, ठीक है। तो ये हमारा 10 ml है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गई कि सॉल्यूट हमारा कम है सॉल्वेंट हमारा ज्यादा है, ठीक। अब दूसरा ग्लास मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, उसमें क्या किया है ना, इसका ठीक उल्टा किया है। क्या मतलब मैम, मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूट है, ठीक है सिर्फ इमेजिन करने को कर रही हूँ, कोई घर में नहीं करेगा ये काम, ठीक है। जो सॉल्यूट है वो मैंने यहाँ पे 90 ml रखा है, ठीक है, और पानी जो है वो मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ 10 ml, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहानी क्या पूछी, मैंने आपसे क्या बोला है कि यहाँ पे मूवमेंट किसका होगा, मूवमेंट हमारा यहाँ पे हमेशा हमेशा किसका होगा बताओ, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का, ठीक है। सो अब आप मुझे बताओ कि ए से मूवमेंट बी में होगा, ठीक है, या बी से मूवमेंट ए में होगा, कौन सा सही है? मैम ए टू बी, समझ में आ गया रिजवान? हमने क्या बोला, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ए में है, ए में, और हमारा सॉल्वेंट का कम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, जब अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि यहाँ पे जो हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं ना मैम, वो मॉलिक्यूल हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब एक और चीज सीखते जाओ, यहाँ पे अगर मैंने बीच में ना एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है, ठीक है, सेम ही डेफिनेशन है, बस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है, ठीक है, जैसे तुम लोग करते हो ना वो कैसे एग्जांपल बताऊं, कोई एग्जांपल नहीं आ रहा है मुझे याद, ठीक है। बीच में हमने कुछ ऐसा लगा दिया है जो कि एक जगह, हाँ जैसे हमारा उसमें देखो 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 बताते हैं, आपको पता है हमारा जो सेल होता है बॉडी का, क्या वो हर एक को अंदर आने देता है बॉडी के? नो मैम, मैम यू आर ऑन म्यूट, यार ये बार बार कैसे हो जाता है, ठीक है, यस मैम, जस्ट वन सेकेंड बच्चा, चलिए जी अब आगे कहानी क्या है हमारे पास बच्चा जी, कि यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो आपको इन और आउट का अलाउ करती हैं, तो वही चीज हमारे पास क्या कहलाती है, यही चीज मैम हमारा डिफ्यूजन कहलाती है, ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हर एक को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन।
ठीक है जी, चलिए जी, चलिए जी, और कुछ आपको समझना है बच्चे जी? नो? हाँ जी मंतशा, मंतशा पूरी बायोलॉजी आदि पढ़ लेगी ना। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन? मैम न्यूट्रिएंट्स का। मंतशा आपके टॉपिक, आपके सिलेबस में है ये टॉपिक? मैम मैं वो बुक पढ़ती हूँ उसमें है, वो भी 9th की बुक है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स 9th स्टैंडर्ड में? वेरी स्ट्रेंज, मुझे एक बार देखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो हमने पढ़ा है वो तो मतलब 11th में पढ़ते हैं, बट Circulation is the process by which nutrients, respiratory gases, and metabolic products are transported through our living organisms. हाँ जी समझ गए भाई जी हम, कहाँ जो मंतशा आप जो पूछ रही हो ना वो ये है कि जो हमारा देखो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या होता है ना मंतशा, कि हम जो यहाँ पे चला रहे होते हैं ना वो चल रहा होता है हमारा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ठीक है, जो इन शॉर्ट हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। कैसे मैम? क्योंकि जैसे अगर आप ना अगर प्लांट्स की बात करो, ठीक है, आपको प्लांट्स से थोड़ा सा समझ में आएगा कि आइडिया क्या है इसका। प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज प्लांट्स हमारे बनाते भी हैं और उसको क्या करते हैं स्टोर भी करते हैं। मैंने आपको शायद बताया होगा या 10th वालों को बताया होगा, आपको नहीं बताया होगा। तो कहानी क्या होती है ना बच्चे जी हमारे साथ कि मैम हमारा जो ये ग्लूकोज है वो स्टोर होता है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो हम लोग सेब खाते हैं या अनार खाते हैं या अनार खाते हैं तो वो सब क्या है बच्चा जी हमारा, वो मैम हमारा स्टार्च है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को प्लांट क्या करता है, तोड़ता भी है। कैसे मैम? जो आपने एक वर्ड सुना होगा रेस्पिरेशन, ऑल्दो प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, उनकी लीव्स और स्टेम्स भी खुद ही करते हैं, तो जो रेस्पिरेशन होता है ना वहां क्या होता है ना ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं, किसमें, इस को हम ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ते हैं मैम, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में प्लस हमारे बहुत सारे एटीपी में, ठीक है, बहुत सारे एटीपी में जिस, और ये एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी है, ठीक है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है। तो ये कहानी चल रही होती है प्लांट्स में, ऐसी ही कहानी हमारे साथ भी चल रही है। जो हमारा ब्लड होता है ना, ठीक है, वो हमारे ब्लड क्या बोलते हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उन सबको विद द हेल्प ऑफ जो हमारी बॉडी में कौन सी गैस जाती है ऑक्सीजन, उसके साथ लेके जाता है, ठीक है मंतशा। चलिए जी और रिजवान जी बताएं आप भी। रिजवान आप कुछ पूछने वाली थी? नहीं? चलिए जी, तो आप लोगों से सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई हमें, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग हमेशा क्लास में रहे एंड टाइम से आए, वो इम्पोर्टेंट है। बट ये तुम लोग बाय कर रही हो या तुम्हें अभी भी कुछ पूछना है? हम कुछ पूछ रहे बताओ मंतशा। मुझे भी बताएं जी, आप भी बताएं, तुम लोग की अगली क्लास नो मैम। चलो पूछो, मेरी भी नहीं है मैम। जो हम लोग जैसे कि मूव करते हैं, सो हाउ डू वी मूव, लाइक हमारे ऑर्गन्स का सिग्नल जाता है ब्रेन से, लेकिन स्टिल हाउ वी मूव। इनके बीच में ना बच्चा एक कोऑर्डिनेशन सेट होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं लोकोमोट करते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? लोकोमोट करना कहते हैं या मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट जो होता है वो प्लांट्स में होता है, क्योंकि मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे मैं एक जगह पे बैठी हूँ और मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मुंडी क्या कर रही है, मूव करी, बट मैं यहाँ अपनी जगह से उठ के अपने लिए किचन में एक ग्लास पानी लेने जा रही हूँ, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन, ठीक है। कि एक प्लेस का चेंज होना इज नोन एज लोकोमोशन, ठीक है। आप पूछिए जी, क्या नाम है आपका? किम्बरले। मैम एक अजीब सवाल है, हमारे ह्यूमन बॉडी में मैम अलग अलग तरह के मसल्स और अलग अलग तरह के सेल्स क्यों होते हैं?
मतलब ये क्या बात हुई। चलो जी तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर दे दें वरना तुम बुरा मान जाओगे। देखो बच्चा जी कहानी ये होती है हमारी कि जो हमारा जाइगोट होता है वो हमारा एक सिंगल सेल होता है। अब तुम्हें जाइगोट का तो समझ में आ गया क्या कि स्पर्म और ओवम से जो फ्यूज होके बनता है दैट इज योर जाइगोट, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट सेल जो हमारे को जिंदगी देता है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या होता है ना कि ये आगे चल के क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ये आगे चल के डिवाइड करता है और हर एक अलग अलग ड्यूरेशन पे डिवाइड करता है। प्लस यहाँ पे ना क्या होता है, ये पूरा जाइगोट हमारा कुछ तीन उस पे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये सेल में किस टाइम पे कैसे टाइप पे डिवाइड हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। क्या बोलते हैं इन्हें, इसे हम बोलते हैं बच्चा जर्म लेयर, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 आप लोग जब आओगे तब आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इसे हम कहते हैं जर्म लेयर। एक्चुअली जर्म लेयर के बेसिस पे ना पूरे एनिमल किंगडम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक को बोलते हैं हम एक्टोडर्म, सॉरी डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चा जी उसे, उसे कहता है मैम डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब कहानी ये होती है बच्चा जी कि ये मैम हमारी बाहर वाली जो मतलब हमारे पास क्या होती है, अगर तीन लेयर्स होती है, अंदर वाली को कहते हैं हम एंडोडर्म, ठीक है, फिर होती है मैम ये मीजोडर्म, लास्ट होती है मैम हमारी एक्टोडर्म। ठीक है, जिनमें हमारे पास मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है वो हमारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, बट हम हायर लेवल वाले हैं तो हमारे में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। हर एक जर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल है हर एक टाइप की ऑर्गेन को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हमारा जो हर्ट है, ठीक है, तुम लोग का ऐसे ही बनता है, ठीक है, आशिकी वाला, ठीक है, ये हमारा जो हर्ट है उसमें कौन सी सेल्स होती है, कार्डियक सेल्स होती है मैम। ठीक है, कार्डियक सेल्स होती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन सी सेल्स होती है मैम, नर्व, क्या बोलते हैं, नर्व सेल होती है मैम। क्यों होती है मैम, क्यों अलग अलग है ये, क्योंकि कार्डियक सेल के को जो काम आता है ना वो काम आता है मैम पंप करने का। किसको पंप करने का, ब्लड को पंप करने का। ठीक है, वही जो हमारी नर्व सेल है उसको काम आता है मैम सिग्नल देने का। किसको सिग्नल देने का, नियर बाय सेल्स को। जैसे तुम वही वाला जो आपने डायग्राम देखा होगा कि किसी को आपने चूटी काटी, तुरंत हमारी रिफ्लेक्स आर्क बन गई, ब्रेन तक सिग्नल पहुंच गया, उसने बोला या तो थप्पड़ मारो या अपना हाथ हटा लो। ठीक है, तो वह उसका काम क्या है, इसके पास क्या है, कुछ अंदर ऐसे केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्योंकि हमारे को क्या करना है, सिग्नल दिलवाना है, तो इसीलिए हमारे पास नर्व सेल्स प्रेजेंट है। हमारे को ब्लड से, हर्ट से ब्लड को पंप करवाना है तो हमारे पास कार्डियक सेल प्रेजेंट है, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है गैसेस एक्सचेंज करने की, ब्लड को प्यूरिफाई करने की। अब बताइए जी रिजवान जी, एंड थैंक यू सो मच, बस इतने ही डाउट्स लेने वाली हूँ मैं, क्योंकि तुम लोगों ने एक घंटा मेरा पूरा ले लिया है। रिजवान आप बताइए जी क्या क्वेश्चन है आपका। रिजवान आवाज आ रही है तुम्हें, नहीं? चलो जी किम्बरली जी, कुछ और तो नहीं रह गया आपका? मैम आपने मसल बताया नहीं। अरे बेटा मसल्स का काम क्या होता है, तुम्हारी मूवमेंट करना। जो मसल्स होती है वो ऐसा क्यों होता, कैसे बनता है, ये तो बताया नहीं आपने। यार बेटा तुम देखो ये तो नहीं सीख सकते अभी कि कैसे बनता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग अलग है। अब पैरों की जो मसल्स है वो क्यों अलग है, हाथ की मसल्स क्यों अलग है, सॉफ्ट क्यों होती है हाथ के सेल्स, पैर के सेल हार्ड क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके काम अलग अलग है ना, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अलग अलग है, तो इसीलिए वो अलग अलग होते हैं। ओके मैम। मंतशा बताएं जी, इसके बाद मत पूछना बस। मेरे पास भी किम्बरली जैसा थोड़ा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन है। लाइक मैम अगर सबका ब्रेन उन्हें सेम टाइप का सिग्नल देता है हर रिएक्शन पे, सो मैम अगर जैसे कि कोई जैसे कि वी ऑल आर स्टूडेंट, तो सबने हम सब साथ में पढ़ रहे हैं, बट इवन कुछ बच्चों का आंसर आता है और कुछ बच्चों को क्यों नहीं आता। मंतशा मेरे अकॉर्डिंग तुम भी सुबह शाम रोटी खाती हो, किम्बरली भी रोटी खाते है, रिजवान भी रोटी खाते है, राइट? कितनी खाती हो तुम? मैं रोटी नहीं खाती। चावल खाती हो, ठीक है, जो भी खाती हो, ठीक है, कितनी खा लेती हो एक बार में, कैपेसिटी थोड़ी से। तुम्हारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो तुमने अपनी एक्टिविटी कर करके ऐसी कर दी है कि वो उसके पास उतनी ही एबिलिटी है। जैसे अगर तुम पूरे दिन रील्स चलाती रहोगी तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, सोते सोते भी रील्स ही चल रही होंगी, ठीक है, कि सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा के साथ कहीं घूमने जा रहा है। बट अगर तुम्हारी आदत है
बुक्स को पढ़ने की, तो रात में सोते टाइम भी तुम्हें को क्या वही चीजें ही रिकॉल करेंगी। तो जैसे कहते हैं ना, जैसा तुम एटमॉस्फेयर में रहोगी वैसा ही तुम्हारा ब्रेन भी हो जाएगा, वैसा ही वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं ना कि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, पहला ही अटेम्प्ट नीट का दिया और क्लियर। और बहुत ऐसे भी होते हैं जो बेचारे 4 साल भी मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो पाता। ठीक, चलिए जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। आई होप मैंने सबके मोस्ट ऑफ द डाउट तो ले लिए, वरना इन किम्बरले और मंतशा के डाउट तो जैसे कहते हैं ना रात भर भी नहीं खत्म होने।